कश्मीरी गेट से आज हमने सोचा कुछ अलग एक्सप्लोर करें, ना कोई बुकिंग ना कोई बस की बुकिंग। अब सबसे पहले मतलब हम लोग पहले तो हम ट्रैफिक से बहुत चैलेंज फेस करके आए। पहले हम लोग क्या करते थे, मेट्रो जाते थे, आज हमने सोचा कैब से जाते हैं। यार मतलब डेढ़ घंटा मात्र, डेढ़ घंटा क्या होता है, पूरा जाम दिल्ली में यार। लेकिन पूरा दिल्ली घूम लिया, ठीक है। जाम को बाद पार करने के बाद हम फाइनली पहुंचे कश्मीरी गेट, बहुत एक्साइटेड होकर कि ये अब हम जाएंगे। डेस्टिनेशन नहीं बताऊंगी, डेस्टिनेशन आपको एंड में पता चलेगा। तो हमारा नया चैलेंज आया, यहाँ पे कोई भी बस नहीं है, अभी हमें यही देखना है कि हमें कैसे भी बस मिल जाए, तो चाहे टुकड़ों में मिल जाए, कहीं कहीं जाके हम पहुंच जाएंगे। लेकिन हमारा मेन फोकस यही है, घर से निकले तो आप वापस नहीं जाएंगे। तो अभी हम बस ढूंढ रहे हैं, बस की स्ट्रगल देखते रहिए, बताते रहेंगे, अप टू डेट देते रहेंगे। पहले हम बस ढूंढ लेते हैं, अगर मैं आपसे बात करती रही तो यहीं पे टाइम खत्म हो जाएगा, और मेरे लिए अभी बस ढूंढना पड़ेगा। मिली कोई बस? नेट ही नहीं चल रहा। बहुत सारी डिसअपॉइंटमेंट के बाद तो बेफिक्र इंजीनियर चल दिए हैं अब कोई दूसरा जुगाड़ लगाने। अब हमें लग रहा है कि शायद मजनू के टीले से कोई ना कोई वॉल्वो हमें मिल सकती है। लास्ट वॉल्वो वहाँ पे 10 बजे की होती है, सॉरी। तो हम कोई ना कोई अलग अलग ऐप से ट्राई कर रहे हैं, शायद हमें कोई वॉल्वो मिल जाए। यहाँ की जो लास्ट बस थी वो पूरी फुल थी, तो हमें उसमें टिकट नहीं मिल पाई है। तब तक के लिए ये टिकट बुक कर रहा है और हम देख लेते हैं यहाँ का ISBT। तो दोस्तों ये है दिल्ली का बस स्टैंड, यहाँ पे आपको हर स्टेट के लिए बस मिलेगी। शायद नवदीप के चेहरे से लग रहा है कि बात बन गई है, ये कंफर्म कर रहा है कि अभी हमें कहाँ आना है, शायद हमें इस डेस्टिनेशन से दूसरी जगह जाना पड़े बस लेने के लिए। तब तक के लिए हम कर लेते हैं टाइम पास। कभी खुशी से चमकता हुआ चेहरा देखा है, वो इसका है क्योंकि अब हमारी बुक हो गई है ट्रैवलर, और अब हम जा रहे हैं 10 बजे की। वाह, ब्रेकिंग न्यूज, फाइनली बस मिल गई है और अल्टीमेट मजा आ रहा है भाई। इन्हें कह रहे कति स्वाद आ रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने मेरे दी बस नहीं मिलेगी, ये नहीं मिलेगी भाई साहब। अनप्लान ट्रिप इसी तरीके के होते हैं, सड़कों पे चलो पैदल, और ये देखो आ रहे हैं गरीब लोग। कैसा लग रहा है प्रिया टिकट मिलने के बाद? बहुत खुशी हो रही है, ऐसे मिल रही है मेरी क्लास में टॉप कर दी हो जैसी। तो अभी हो रहा है हमारा डिनर, छोले चावल और दही जो हम घर से लेकर आए थे, और अब मोटा देगा अपना एग्जाम। अब मिलते हैं डायरेक्ट आपको सुबह। गुड मॉर्निंग हिमाचल। तो अभी हमारी बस यहाँ पे रुकी हुई है पेट्रोल पंप पे, ताकि जिसको भी नेचर कॉल आया हुआ है सुबह सुबह अपना कर ले। सुप्रभात भारत, बेफिक्र इंजीनियर लाइव रिपोर्टिंग फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। कल हमने आपको बताया नहीं था हम कहाँ पे हैं, लेकिन आज हम डेस्टिनेशन डिस्क्लोज कर रहे हैं, मतलब स्टेट डिस्क्लोज कर रहे हैं अभी तो मेनली, कि हिमाचल प्रदेश में पहाड़ों में कहीं दूर। देख सकते हैं कितना प्यारा व्यू है। अभी हम ब्रेक के लिए रुके हैं, हमने चाय और एक लाइट फूड में टोस्ट वगैरह खाया है, और अभी मतलब अभी हमारा ना एक डेढ़ घंटे का और सफर रहता है। एग्जैक्ट डेस्टिनेशन वहीं जाके बताएंगे, जब तक के लिए आप पहाड़ देखें। तो हमारी लास्ट डेस्टिनेशन है तोश, बट तोश तक का डायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, तो हम पहले दिल्ली से आए भुंतर तक, भुंतर के बाद हमने एक लोकल बस ली है, और अभी हम जा रहे हैं कसौल। कसौल से आगे देखते हैं क्या रहता है। वाओ, कितना अच्छा नज़ारा है ना। तो अभी हम मिलते हैं आपको कसौल में। ज़्यादा 15
15 घंटों का सफर करने के बाद गाइस हम फाइनली पहुंच गए कसौल। वैसे तो हमें बरसी नहीं जाना था बट बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम होने की वजह से हम कसौल में ही स्टे करने वाले हैं, तो अभी हम करा रहे हैं अपनी होटल की बुकिंग। पहले तो आप एक झलक देख लीजिए कसौल की, बहुत ही सुंदर है, बट न्यू ईयर पे आए हैं तो बहुत ज्यादा क्राउड है। और हाँ, व्लॉग थोड़ा लेट आएगा क्योंकि एडिटिंग में टाइम लगता है यार, बट चलिए आगे एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे बहुत सारी पार्टीज हैं। तो दोस्तों ये है छोटा सा प्यारा सा कसौल, यहाँ पर सब मिलता है लेकिन हमें होटल ही नहीं मिल रहा, मतलब इतना क्राउडेड है ना, हर एक होटल बुक है। तो अभी हम जा रहे हैं नीचे की साइड, शायद हमें कुछ मिल सकता है। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू अवर यूट्यूब चैनल, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, कसौल की अभी वीडियोज आनी रहती है, तो तब तक के लिए बने रहिए, वर्चुअली घूमिए।